इलायची का सेवन करने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। नान के पत्तों का पेस्ट सिर पर लगाने से सर दर्द से आराम मिलता है। प्याज के रस की 2-3 बूंदे नाक में डालने से नाक से खून आना बंद हो जाता है। तरबूज खाने से मांसपेशियों के दर्द में आराम मिलता है। तुलसी के पत्तों का पेस्ट दांतों पर रगड़ने से दांतों का पीलापन दूर होता है। अमरूद खाने से दिल की घबराहट दूर होती है। नीकू चेहरे के रंगत को बढ़ाता है। रोजाना दूध पीने से शरीर में कैल्शियम की कमी दूर होती है। नीवी का जूस बालों के लिए काफी फायदेमंद होता है। लहसुन के सेवन से मर्दाना ताकत में सुधार आता है। खाली पेट ड्राई फ्रूट्स खाने के फायदे। मूंगफली खाने से वजन बढ़ता है। अंजीर खाने से खून की कमी पूरी हो जाती है। पिस्ता खाने से शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। काजू खाने से शारीरिक कमजोरी दूर हो जाती है। किशमिश कब्ज से राहत दिलाता है। बादाम शरीर में एनर्जी बूस्ट करने में मदद करता है। हेल्थ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो करो। केला और अमरूद को एक साथ नहीं खाना चाहिए। मेथी के पत्तों का साग खाने से भूख बढ़ती है। अनार का सेवन करने से गंजेपन की समस्या दूर होती है। दूध में छुआरे डालकर पीने से बीपी लो की समस्या दूर होती है। दुनिया का सबसे महंगा पिंजा $12,000 का है। पीले रंग का फल आपको बीमार होने से बचाता है। दुनिया के सबसे सहकारी लोग भारत में रहते हैं। प्याज के रस को आईब्रो पर लगाने से आईब्रो घनी और मोटी होती है। पूरी दुनिया में 600 से ज्यादा प्रकार के संतरे पाए जाते हैं। ज्यादा कॉफी या चाय का सेवन करने से खून की कमी भी हो सकती है। सौंफ भूनकर खाने से मल त्याग आना बंद हो जाता है। काजू का दूध पीने से याददाश्त बढ़ती है। सुबह खाली पेट कड़ी पत्ते चबाने से वजन कम होता है। गर्मियों के मौसम में खीरा खाने से शरीर हाइड्रेट रहता है। दही के साथ भूलकर भी मांस नहीं खाना चाहिए। पानी में हल्दी मिलाकर नहाने से त्वचा खूबसूरत बनती है। आम आंखों में होने वाले इन्फेक्शन और बैक्टीरिया को खत्म करता है। लौंग का तेल बालों में लगाने से बालों की ग्रोथ तेजी से बढ़ती। ड्राई फ्रूट्स का रोजाना सेवन करने से शरीर मजबूत और ताकतवर बनता है। कुटू सब्जी का लगातार सेवन करने से शरीर लोहे जैसा ताकतवर बन जाता है। केला खाने के तुरंत बाद दूध नहीं पीना चाहिए। अगर बैठकर पानी पिया जाए तो आर्थराइटिस, हार्निया या अपेंडिक्स की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। 4 हफ्ते की प्रेगनेंसी के बाद बच्चे का दिल धड़कना शुरू हो जाता है। गले में खराश या मुंह में छाले होने पर नींबू पानी नहीं पीना चाहिए। ठंडे पानी से स्नान करने से हमारी मांसपेशियों की जकड़न दूर होती है। अगर आप गर्म वातावरण में काम कर रहे हैं तो शहद का सेवन नहीं करना चाहिए। स्टडी बताती है कि अच्छी तरह सोने वाले लोगों की याददाश्त अच्छी होती है। सीने में जलन होने पर गुड़ और जीरे का पानी पीना चाहिए। मशरूम खाने से थायराइड होने की संभावना घटती है। रोजाना 2 चम्मच भुने हुए तिल खाने से कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी पूरी होती है। काली चाय पीने से पेट दर्द में आराम मिलता है। ज्यादा टेंशन लेने से चेहरे पर पिंपल की समस्या हो सकती है। नमकीन फल खाने से दिमाग तेज होता है। नाशपाती का सेवन गर्भवती महिलाओं के लिए फायदेमंद होता है। अनार का सेवन करने से किडनी की समस्या दूर होती है। शकरकंद खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। अखरोट खाने से बालों को मजबूती मिलती है। अचार खाने से हड्डियां कमजोर हो जाती है। नाभि में तेल डालकर सोने से नींद अच्छी आती है। अमरूद खाने से दिल की घबराहट दूर होती है। पति पत्नी संभोग कर रहे थे, किसी ने घंटी बजाई। आदमी ने 5 मिनट बाद दरवाजा खोला तो दोस्त बोला, देर क्यों लगा दी? आदमी बोलता है, हम लोग चटनी कूट रहे थे। शरारती दोस्त बोलता है, भाभी हमें भी चटनी चटाओ। अभी बोली, मैंने तो बर्तन धो लिया है, भैया के चमचे पे लगी होगी, आप वहीं से चाट लो। आंखों को बार बार मलने से आंखों की रोशनी कम होती है। सुबह सुबह एक लौंग चबाने से मर्दाना ताकत बढ़ती है। धनिया खाने से मुंह की दुर्गंध दूर होती है। पपीता खाने से त्वचा में निखार आता है। 60 की उम्र में 30 का दिखना है तो किशमिश खाएं। दुनिया की सबसे शक्तिशाली सब्जी मुरंगा है। प्याज का रस सिर में लगाने से जुए मर जाते हैं। सफेद चावल खाने से कब्ज की समस्या हो सकती है। हर के भोजन करने से आंतें कमजोर हो जाती हैं। योगा करने से शुगर की बीमारी खत्म हो सकती है। पानी में नींबू का रस मिलाकर चींटियों वाली जगह पर स्प्रे करने से चींटियां भाग। सोडा को उस जगह छिड़क दें जहां खटमल होने की संभावना है। बेकिंग सोडा से खटमल मर जाती। कलियों को माइक्रोवेव में 10-15 सेकंड के लिए गर्म करने से छिलके आसानी से उतर जाते हैं। नंबर है, भगोने पर एक बेलन रख देने से चाय उबलकर बाहर नहीं गिरती। शरीर में खुजली होने पर पानी में ओट्स मिलाकर नहाना चाहिए। प्याज काटने से पहले उसे 15 मिनट फ्रिज में रखने से आंसू नहीं आते। आंखों में गुलाब जल डालने से पानी बहने की शिकायत दूर हो। रात के समय मोबाइल फोन पास रखकर सोने से ब्रेन ट्यूमर का खतरा हो सकता है। खट्टे सेब का जूस नियमित रूप से मस्सों पर लगाने से मस्से धीरे धीरे झड़ जाते। सुबह का नाश्ता न करने से दिमाग धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान
दौरान बैगन की सब्जी नहीं खानी चाहिए। नींबू का रस निकालकर दिन में दो बार पीने से पेट के कीड़े नष्ट होते। अजर के साथ कभी संतरा नहीं खाना चाहिए। कच्चा पनीर खाने से वजन कंट्रोल में रहता है। चीकू खाने से कैंसर का खतरा कम हो जाता है। शहद को कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। लीची के बीच नहीं खाने चाहिए क्योंकि ये जहरीले होते हैं। चोट पर चीनी लगा ली जाए तो दर्द कम हो जाता है। खाली पेट जूस पीने से बचना चाहिए। नम दुनिया का सबसे ज्यादा पसंद करने वाला फल है।